हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंशीज ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, अगर आप भी किचन या टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आप अपने पौधों से बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से कम लागत में अच्छी हार्वेस्टिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे लिक्विड ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइजर के बारे में जिसके रिजल्ट आप अपने प्लांट में देखकर हैरान हो जाएंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप अपने घर पर बिल्कुल आसानी से और कम लागत में तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर से आपके प्लांट्स में कौन कौन से फायदे होने वाले हैं और आप इसका यूज अपने प्लांट्स में किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। यह वैसे तो केमिकल फॉर्म में मार्केट में मिलता है, पर आज हम इसे काउडंग से बने उपलों की मदद से घर पर ही तैयार करेंगे। गाय के गोबर से बने उपलों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें ढेर सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। हम इसके साथ यूज करेंगे गुड़ का। ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए आप बिल्कुल पुराने गुड़ का इस्तेमाल करें जो पशुओं के खाने के लिए यूज होता है। हमने इसके लिए इस गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ की मात्रा हमने 150 ग्राम के लगभग ली है और इसका लिक्विड तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे सॉलिड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हम यूज करेंगे बेसन का। इसकी मात्रा हमने 100 ग्राम के लगभग रखी है। छाछ की मात्रा हमने करीब 250 ml के लगभग रखी है। यह 2 से 3 दिन पुरानी है। छाछ जितनी खट्टी होगी फर्मेंटेशन की प्रोसेस उतनी ही बढ़िया रहेगी। दोस्तों, यह लिक्विड फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहेगा। इसमें किसी तरह के पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। यह लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 उपले लिए हैं और इन्हें पानी में डुबो लेना है। पानी की मात्रा हमने करीब 10 लीटर के लगभग रखी है। इसके बाद हमने जो गुड़ का लिक्विड तैयार कर लिया है उसे हम पानी में डालेंगे। आप चाहे तो साबुत गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। इसमें डालने के बाद वह भी अपने आप इसमें डिजोल्व हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो बेसन यानी चने के आटे का यूज किया है उसे हम छाछ में घोल लेंगे। बेसन का यूज हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए करते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो हम ह्यूमिक एसिड तैयार करेंगे उसमें जो जीवाणु तैयार होंगे यानी गुड बैक्टीरिया तैयार होंगे यह उनके खाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह से हम ह्यूमिक एसिड बनाने के साथ साथ अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए गुड बैक्टीरिया भी तैयार कर लेंगे। अब हम इस सारे मिश्रण को अच्छे तरह से घोलकर और किसी छाया वाली जगह पर लगभग 7 दिन के लिए रखना है। उपले पानी में अच्छी तरह से डूब जाए इसके लिए किसी भारी चीज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिजल्ट करीब 5 दिन के बाद का है और इस मिक्सचर में से तेज खट्टी गंध आ रही है, मतलब हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस अच्छे से हो रही है। इस मिक्सर को हर 2 दिन में इस तरह से घुमाते रहना है ताकि ऑक्सीजन का इसमें अच्छे से मिक्स होती रहे। दोस्तों, हमारे मिक्सर को रखे 7 दिन हो चुके हैं और अब इसमें से जो तेज गंध आ रही थी वह भी हल्की हो गई है। इससे लग रहा है कि हमारा ह्यूमिक एसिड जो है वो तैयार हो चुका है। हमने जो इसके लिए उपले यूज किए थे उन्हें हमें बाहर निकाल लेना है। इन उपलों का यूज हम काउडंग कम्पोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो हमने ह्यूमिक एसिड तैयार किया है इसकी पीएच वैल्यू लगभग 5.75 के लगभग तक रहती है और जब हम इसे मिट्टी में हम यूज करेंगे तो मिट्टी की पीएच वैल्यू को यह 5.5 से लगभग 7.5 तक बफर करता है जो कि पौधे के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मिट्टी को आदर्श बनाता है। साथ ही यह मिट्टी की विषाक्तता को भी कम करता है। दोस्तों, इस तरह से तैयार ह्यूमिक एसिड का उपयोग आप स्प्रे और सिंचाई दोनों के लिए कर सकते हैं। बस इसके यूज के लिए इसकी क्वांटिटी का डिफरेंस रहेगा। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इस ह्यूमिक एसिड को छानकर किसी बर्तन में स्टोर कर लेना है। ह्यूमिक एसिड को स्टोर करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि इस बर्तन को धूप में ना रखें, किसी छाया वाली जगह पर ही रखना है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का सिंचाई के लिए यूज करने के लिए हमें 4 हिस्से पानी के यूज करने हैं और 1 हिस्सा ह्यूमिक एसिड का यूज करना है। अगर हम इसे स्प्रे के लिए यूज करते हैं तो करीब 10 ml पर लीटर के हिसाब से इसका यूज करेंगे। हम अपने सब्जी के पौधों में सिंचाई के लिए इस ह्यूमिक एसिड का यूज करेंगे। हमने करीब 4 हिस्से पानी ले लिया है और 1 हिस्सा हम इसमें ह्यूमिक एसिड का यूज कर रहे हैं।
यह लिक्विड फर्टिलाइजर 70% मिट्टी में काम करता है और 30% पत्तियों पर काम करता है। खुरपी दियो चाचा। सिंचाई करने से पहले हमें अपने पॉट की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। दोस्तों आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, घिया, तोरी आदि किसी भी सब्जी वाले प्लांट्स में कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में आप इसकी मात्रा 250 ml पर प्लांट रख सकते हैं, गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा कम ही रखनी है। दोस्तों यह लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी को भुरभुरा करता है जिससे पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है। साथ ही यह पौधे की पत्तियों में हरे रंग की वृद्धि करता है जिससे प्लांट प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को अच्छे से कर पाता है और पौधे में फल और फूल अच्छी मात्रा में बन पाते हैं। यह लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी की वाटर अब्सॉर्ब करने की पावर बढ़ाता है, साथ ही यह पौधे के मेटाबॉलिज्म में जाकर जिस भी तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। दोस्तों आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों में हर 20 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों स्प्रे के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि पौधे में फ्लावरिंग होने से पहले इसका छिड़काव कर लें। फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद इसका जो छिड़काव है वह पौधे पर ना करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने